नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। बालाघाट जिले की मलाजखंड कॉपर माइंस में सुरक्षा के साधन उपलब्ध नहीं कराने के कारण आए दिन कोई ना कोई घटना घटती रहती है, जिसमें मजदूर मारे जाते हैं। आज मलाजखंड के अंतर्गत SMS कंपनी में अंडरग्राउंड में काम कर रहे ग्रेबियल हरपाल नामक मजदूर की मौत सुरंग की दीवार गिर जाने से हो गई। वहीं 4 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बताया जाता है कि एक मजदूर की भी हालत बहुत खराब है। मानव अधिकार एवं सामाजिक न्याय आयोग के राष्ट्रीय संगठन महासचिव सूरज ब्रह्मे ने इस घटना की CBI जांच की मांग करते हुए दुर्घटना में मृतक ग्रेबियल हरपाल के परिवार को मुआवजा के रूप में 50 लाख रुपए और परिवार के एक सदस्य को मलाजखंड कॉपर माइंस में नौकरी दी जाए, साथ ही दुर्घटना में घायलों को 25-25 लाख रुपए दिए जाएं। श्री ब्रह्मे ने बताया कि मलाजखंड प्रबंधन की लापरवाही के चलते आए दिन कोई ना कोई घटना होती रहती है, जिसमें मजदूरों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। बताया जाता है कि मजदूरों को किसी प्रकार के सुरक्षा के साधन उपलब्ध नहीं कराए जाते, जिससे मजदूर दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। मजदूरों को केंद्र शासन के तहत जो सुविधा मिलनी चाहिए वो भी मजदूरों को उपलब्ध नहीं कराई जाती है। सूरज ब्रह्मे, राष्ट्रीय महासचिव मानव अधिकार एवं सामाजिक न्याय आयोग। जैसा कि अभी मुझे जानकारी मिली है कि मलाजखंड कॉपर माइन के अंतर्गत SMS कंपनी में जो मजदूर काम कर रहे थे, उनमें एक मजदूरों की मौत सुरंग की दीवार गिरने से हो गई है और 4 मजदूर गंभीर रूप से घायल हैं। मलाजखंड में मजदूरों की मौत ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी अनेकों बार ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं और मजदूरों की मौत होती रही है। और जब जब ऐसी घटना घटती रही है, तब तब क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा, पत्रकारों के द्वारा या आवाज़ उठाते रहे हैं कि मजदूरों को सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। उन मजदूरों को ना कोई सुरक्षा उपलब्ध कराए जाते, ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से उनको कोई सुविधा उपलब्ध कंपनी द्वारा कराया जाता है। इस घटना में जो मजदूरों की मौत हुई है, मैं सरकार से मांग करता हूं कि उनको, उनके परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए और जो इस घटना में घायल हुए हैं गंभीर रूप से, उनको 25-25 लाख रुपए दिया जाए और ये घटना क्यों होती है इसकी CBI जांच कराई जाए, क्योंकि यह घटना प्रबंधन की लापरवाही के ही चलते होती रही है और होती रहेगी। जब तक प्रबंधन के द्वारा मजदूरों को सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध नहीं कराए जाएंगे, तब तक ऐसी घटना घटती रहेगी और हमारे क्षेत्र के मजदूर मौत के काल में समाते रहेंगे। मैं पुनः सरकार से निवेदन करूंगा कि इस घटना की CBI जांच कराई जाए और मृतक परिवार को 50 लाख रुपए और घायलों को 25-25 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए और परिवार के एक सदस्य को मलाजखंड में सरकारी नौकरी दी जाए। यदि खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। किसी भी प्रकार की खबर, भ्रष्टाचार घटना की जानकारी देनी हो तो नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क करें।